इस एप्लीकेशन का एडवर्टाइजमेंट अभी भी चल रहा है। प्ले स्टोर पे अगर अभी जाओगे तो वहां पर आप देख सकोगे कि इस एप्लीकेशन का एडवर्टाइजमेंट अभी भी चल रहा है एंड इसका रिव्यू भी अच्छा खासा मिला है। 1,65,000 लोगों ने रिव्यू दिया है एंड यहाँ पर अच्छा खासा 4.4 स्टार मार्क्स इसको मिला है एंड लोग इसको 10 लाख लोग इसको भरोसा कर रहा है, यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। अब इस एप्लीकेशन में अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, यहाँ से पैसे कमाना चाहते हो, तो सिंपल से बात है, यहाँ पर कुछ चीज़ के ऊपर फॉलो करना पड़ेगा। अब यहाँ पर सबसे पहले नीचे के और बात कर लेते हैं, मोर के ऑप्शन में क्लिक करके आपको यहाँ पर डिपोजिट का सबसे पहले दिखा देते हैं। यहाँ पर आप मिनिमम 100 रुपया से डिपोजिट करके खेल सकते हो, ठीक है, 100 रुपया से स्टार्ट कर सकते हो। आप यहाँ पर यूपीआई चाहो तो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये सारा कुछ से यहाँ पर दिया गया है। आप यहाँ से कोई भी एक मेथड से डिपॉजिट करके आप खेल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर बैक करने के बाद यहाँ पर विड्रॉल फंड्स में क्लिक करोगे तो विड्रॉल फंड्स में आप विड्रॉल कर सकते हो। आपको बैंक अकाउंट जोड़ने के बाद यहाँ पर जब डिपॉजिट कर लोगे तो यहाँ पर बैंक अकाउंट का फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहाँ पर बैंक डिटेल्स देना पड़ता है, तो वहाँ से विड्रॉल कर सकते हो। अब यहाँ पर बात करते हैं क्या इस एप्लीकेशन में हम ट्रेड करके पैसे कमा सकते हैं। देखिए ट्रेड का क्या माजरा है यहाँ पर, ट्रेड करने के लिए, देखिए ट्रेड करने के लिए सबसे पहले नंबर 1 चीज के ऊपर में ध्यान देना पड़ेगा, वो है ग्राफ एंड नंबर 2 है आपको एसेस्ट, ठीक है। सबसे पहले एसेस्ट को दिखा देते हैं कि कौन से एसेस्ट सबसे बेस्ट होने वाला है। यहाँ पर एसेस्ट आपको मिल जाएगा, ढेर सारे एसेस्ट मिल जाएगा, यहाँ पर जब क्लिक करोगे ना तो ढेर सारे एसेस्ट यहाँ पर दिखाई पड़ जाएगा। अब देखिए रूबिक ट्रेड, इस एप्लीकेशन का नाम है रूबिक ट्रेड। ये एप्लीकेशन में ना ज्यादातर लोग भरोसा कर रहा है एंड स्टार मार्क्स भी अच्छा है, मतलब जितना भी हमने जांच की है ना तो सारा कुछ यहाँ पर अच्छा ही मिला है, बुरा हमें देखने को उतना ज्यादा नहीं मिला है। जैसे कि और एप्लीकेशन है उसमें उतना ज्यादा अच्छे देखने को नहीं मिला है, लेकिन इसमें ज्यादातर अच्छा ही हमने देखने को मिला है। अब चाहो तो इस एप्लीकेशन में आप ट्रेड स्टार्ट कर सकते हो। अब देखिए ट्रेड में झंझट तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन हाँ रिस्क जो है वो 50-50 चांसेस रिस्क होता है, ठीक है। अब मान लीजिए हम एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, आगे आपको सारा कुछ समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले GBP का दिया गया है, गोल्ड दिया गया है, यूरो दिया गया है, यहाँ पर सिल्वर दिया गया है। नीचे स्क्रॉल करोगे तो और भी ढेर सारे मिल जाएगा, उस हिसाब से यहाँ पर आपको प्रॉफिट भी दिखाया है ना, यहाँ पर प्रॉफिट भी दिखाया है कि कौन सा एसेट में आप पैसे इन्वेस्ट करने से वो एसेट आपको कितना रिटर्न देने वाला है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं। यहाँ पर एक चीज और अच्छे मतलब इस एप्लीकेशन ने ऑप्शन दे रखा है, वो है यहाँ पर हर्ली आपको देखने को मिल जाता है, ये देख सकते हैं हर्ली यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, ये अभी प्रॉफिट चल रहा है या फिर लॉस में जा रहा है, यहाँ पर कितने परसेंट लॉस जा रहा है ये देख सकते हैं, प्रॉफिट में चल रहा है, कितने प्रॉफिट में चल रहा है, +0.01% का प्रॉफिट चल रहा है, मतलब उतना ज्यादा भी प्रॉफिट देखने को नहीं मिल रहा है, बट फिर भी हाँ प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लॉस देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी लॉस, यहाँ पर प्रॉफिट, यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, 0.12% का, 12% का, ठीक है। तो ये काफी कम है, अगर उस हिसाब से देखोगे तो काफी कम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी चाहो उस एसेट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर मान लीजिए आप गोल्ड को पहचानते हैं, अगर गोल्ड में लगाना है तो देख सकते हैं गोल्ड पे इन्वेस्ट करने से पहले यहाँ पर भी आपको फॉलो करना है कि 0.2% का लॉसेस दिखा रहा है, मतलब कि यहाँ पर प्रॉफिट उतना नहीं दिखा रहा है। तो आपको यहाँ पर जस्ट क्लिक करोगे, अगर देखिए हम दिखा देते हैं, जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हैं लॉसेस का मतलब क्या है, लॉसेस का मतलब अभी लॉस चल रहा है, ज्यादातर लॉस चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर आप लॉस के बटन में क्लिक करके पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। लॉस में अगर पैसे इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पर पैसे जीतने का चांसेस बना रहेगा। जैसे कि हमें पुट ऑप्शन में क्लिक कर लेते हैं, ये देख सकते हैं, मतलब कि हमने जितना भी एनालाइज किए हैं वहां पर पता चला है कि लॉस जा रहा है आगे एंड आगे भी लॉस जा सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है। अब आपका अनुमान अलग हो सकता है, आपका टाइम अलग हो सकता है, अभी के टाइम पे आप देख सकते हो लॉस लॉस चल रहा है, आप जब देखोगे तो तब जाके प्रॉफिट चल रहा होगा या फिर और लॉस चल रहा होगा, तो उस हिसाब से आपको ध्यान रख के उसके बाद आपको यहाँ पर पैसे लगाना है, ठीक है। अब 1 मिनट का यहाँ पर खेला होता है, 1 मिनट का मार्जिन सेट किया जाता है जब आप ट्रेड स्टार्ट कर सकते हो। जिस भी पोजिशन में आप ट्रेड स्टार्ट कर रहे हो, मान लीजिए हम इस पोजिशन पे किए हैं, तो यहाँ से लेके 1 मिनट का टाइम दिया जाता है। अभी देखिए 1 मिनट से थोड़ा टाइम बाकी है एंड यहाँ पर जैसे कि हमने अंदाजा लगाया था लॉस जा सकता है, तो लॉस इसके चांसेस यहाँ पर देख सकते हैं ज्यादातर है एंड यहाँ पर काफी ग्राफ जो है नीचे आ चुका है एंड यहाँ पर जीतने का चांसेस उतना ही हमारा बढ़ गया है, क्योंकि हमारा आंसर सही है, हमने एनालाइज जिस तरीके से किया तो यहाँ पर पता चला कि नीचे जाने वाला है, ठीक है। यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन दे रखा है जिसकी मदद से आप यहाँ पर ज्यादा टाइम विन हो सकते हो, लेकिन तरीका आना चाहिए। देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जीत चुका हूँ, कितना जीता हूँ यहाँ पर, 15 रुपया, 15.40
4-0, ठीक है, 40, तो 15+ मैंने यहाँ पर विन कर चुका हूँ, और जो 20 रुपीज़ हमने लगाया था वो 20 रुपीज़ मेरा ही है, एंड मेरा प्रॉफिट हुआ है 15 रुपया, मतलब ये दोनों हमें मिला। टोटल अगर देखोगे तो 35 रुपया से ज़्यादा आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिल चुका है। अगर हार जाते तो 20 रुपया चल जाता, ठीक है, तो टोटल हिसाब से देखोगे तो 35 रुपया आपका भाई प्रॉफिट हो चुका है। अब यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट बड़ा रखोगे तो आपको यहाँ पर बड़ा अमाउंट का बड़ा आपको विन प्राइज मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है कि कौन कौन चीज के कौन कौन ऑप्शन के बारे में हमें फॉलो करना चाहिए, क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं ना ग्राफ, यहाँ पर तो आपको पता चल गया कि लॉसेस आगे जा रहा है तो आगे भी लॉसेस जा सकता है, जैसे कि हम एसेट पे क्लिक करके हमने दिखाया हुआ आपको। यहाँ पर देख सकते हैं 7% लॉस हो चुका है, अभी 2% था, अभी 7% हो चुका है, मतलब कि 2% दिखाया था, तो चलिए कोई बात नहीं, आपने देखा होगा, तो अभी लॉसेज जो है वो ज्यादा चल रहा है, मतलब कि आगे लॉस जा सकता है, या फिर देखिए ऐसा नहीं कि लॉस जा रहा है कि आगे भी लॉस जा सकता है, जो लॉसेस में है वो प्रॉफिट भी हो सकता है, मतलब कि आगे कुछ टाइम से लॉसेस जा रहा है, लॉसेस जा रहा है तो वो आगे प्रॉफिट भी हो सकता है, एक छलान आ सकता है, ठीक है, ऊपर जा सकता है, ऐसा होने का चांसेस भी सबसे ज्यादा होता है, 90% जो लॉसेस जाता है, एंड जो प्रॉफिट हो रहा है वो लॉसेस जाने का भी चांसेस रहता है। इस तरीके का जो एनालिस्ट है वो मतलब ग्राफ चार्ट है वो, उसको एनालाइज करोगे तो इससे पता चलेगा। यहाँ पर ढेर सारा ऑप्शन है, जैसे कि अर्ली का ऑप्शन में देखोगे तो यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है, इससे हमें जीतने का चांसेस बढ़ जाता है। जैसे कि अभी लॉस चल रहा है तो यहाँ पर देख सकते हो ना, हमने बताया हूँ आपको कुल में लॉस चल रहा है, तो यहाँ पर क्लिक करके आपको दिखाया था लॉसेस चल रहा है, तो अभी हमें किस पोजीशन पे इन्वेस्ट करना चाहिए, एक पोजीशन की बात होता है, एक पोजीशन रहता है जी, इस पोजीशन पे लगाने से हमें प्रॉफिट होगा, जैसे कि हमने एक ट्रेड लगा के आपको दिखा चुका हूँ, तो पोजीशन कौन सा में हमें पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी का पोजीशन क्या चल रहा है, यहाँ पर लॉसेस का पोजीशन चल रहा है, अगर यहाँ से देखोगे तो यहाँ तक देख सकते हैं आधा से ज्यादा लॉसेस चल रहा है, अब यहाँ पर रहता तो 50-50, मतलब ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, बीच में हमें लगाने की बारण करते हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं और लॉसेस जा रहा है, अब आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आपका इन्वेस्ट कहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर देख सकते हैं लॉस तो जा रही है तो आपको पता ही है, तो अभी अगर लगता है आपको और लॉस जा सकता है क्योंकि 7% ऑलरेडी लॉस चल गया है, अगर एक बात के ध्यान रखोगे तो यहाँ पर आपको एसेट में क्लिक करके दिखा देता हूँ, देखिए प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो ज्यादा यहाँ पर देखने को नहीं मिले, यहाँ पर 1% 0.01%, 0.08%, 0.02%, यहाँ पर 0.04%, मतलब ज्यादा प्रॉफिट देखने को नहीं मिल रहा है। अब लॉसेस की बात कर लेता हूँ, 0.17, मतलब लॉसेस यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा, प्रॉफिट से थोड़ा ज्यादा, मतलब प्रॉफिट थोड़ा कम दे रहा है, लॉसेस थोड़ा ज्यादा दे रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हो जिस जिस एसेट के हमें बात कर रहे हैं, यहाँ पर 0.14% का लॉस चल रहा है। अब यहीं पर बात कर लेते हैं जो गोल्ड था, ये देख सकते हैं अभी कितना था, 0.07% का लॉसेस चल रहा था, लेकिन अभी अपर सर्किट जा रहा है, मतलब प्रॉफिट हो सकता है, हमने कहा था ना कि लॉस जितना जा सकता है उतना ही चांसेस बढ़ जाता है प्रॉफिट का, लेकिन 1 मिनट का होता है, 1 मिनट का ट्रेड लगाते हो तो आपको ध्यान रखकर आपको सिलेक्ट करना चाहिए कि नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्रॉफिट, अगर हम लॉसेस की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर अभी प्रॉफिट चल रहा है, क्यों प्रॉफिट चल रहा है, जब से हमें आपको यहाँ पर गोल्ड के ऑप्शन में बात कर रहे थे तो तब यहाँ पर लॉसेस जा रहा था, 7% तक लॉस गया था, उससे ज्यादा लॉस नहीं गया। अब थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे ना तो ज्यादातर यहाँ पर प्रॉफिट नजर आ रहा है, कि प्रॉफिट ज्यादातर ऐसे प्रॉफिट में है, लॉस पे नहीं है, लॉस पे यही कुछ चल रहा है, गोल्ड यूरो एंड यहाँ पर USD JPY, ठीक है, और नीचे थोड़ा एक है, बाकी सब प्रॉफिट चल रहा है। अब गोल्ड फिर से क्लिक करके दिखाता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम इसको इधर घींचे तो यहाँ पर देख सकते हैं लॉस चल रहा है, बट यहाँ पर प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है। अब 4% क्यों हुआ है, 4% यहाँ पर देख सकते हैं छलांग लगाया था एक, ठीक है, फिर से यहाँ पर गिर चुका है बट यहाँ पर एक छलांग लगाया था। अब देखिए ये जो गोल्ड है ना, ये ज्यादा टाइम लॉसेस दिखा रहा है, जब से इसको एनालाइज कर रहे हैं लॉसेस दिखा रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जब भी, अभी देखिए आपकी पोजीशन ठीक है, अभी इस पे नीचे लगाना चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मिडिल पॉइंट काफी हाई लेवल पे गया था, जब प्रॉफिट करता है एक एसेट, यहाँ पर जब एक छलांग लगाता है तो गिरने का चांसेस भी उतना ही होता है। अब इस टाइम से देखिए यहाँ पर छलांग लगाया तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन क्या रहेगा, नीचे की तरफ, कि आगे नीचे जा सकता है, लॉस हो सकता है, तो यहाँ पर जो लोग नीचे के ऑप्शन में लगाया था वो डेफिनेटली यहाँ पर अर्न किया होगा, यहाँ पर अर्न किया होगा, यहाँ पर अर्न किया होगा,
यहाँ पर जो प्रॉफिट में प्रॉफिट हुआ था, यहाँ पर जो लॉसेस में लगाया था वो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ होगा। तो यहाँ पर देखिए, अब जब मार्केट गिर जाएगा, यहाँ पर गिरा हुआ है ना, तो अभी प्रॉफिट चल रहा है। तो जब मार्केट गिर जाएगा, हमने तो आपको लॉसेस में लगा के दिखाया हूँ, लेकिन जब मार्केट गिरता है ना, तब आपको प्रॉफिट में लगाना चाहिए। ठीक है, अभी डेफिनेटली यहाँ पर देख पा रहे हो प्रॉफिट जा रहा है, तो अभी छलांग लगा रहा है। आगे यहाँ पर फिर से लॉस आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट देख सकते हो, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। अब यहाँ पर आपको डाउन पोजिशन पे लगाना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लॉस जा सकता है। ठीक है, एनालिस्ट आपको अच्छे तरीके से करना है। आप देखिए, इस तरीके के एप्लीकेशन में अगर अच्छे तरीके से एनालिस्ट करते हो तो कहीं ना कहीं जीतने के चांसेस उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। बट एक सेट करना है मार्जिन आपको, कि आपको कितना तक इनकम करना हो चाहिए, कितना रुपया आप इनकम करना चाहते हो एक दिन में, वो भी यहाँ पर सेट करना होगा अगर आप जीतना चाहते हो तो। कैसे देखिए, आप मान लीजिए यहाँ पर आपका लालच बढ़ चुका है, आप सोच रहे हो कि इस तरीके के ट्रेडिंग ऑप्शन ऑप्शन में हम एक ही बार में 1 लाख रुपया यहाँ पर अर्न करेंगे एक ही बार में, या फिर कोई सोचता है 50,000 अर्न करके उसके बाद हम ये एप्लीकेशन को क्लोज कर देंगे, छोड़ देंगे। कोई कोई सोचता है भाई लॉन्ग टाइम तक हम ये एप्लीकेशन को यूज करेंगे, एंड पर डे हम 1,000 होने से, 1,000 से 2,000 होने से भी हमें चल जाएगा। तो इस चक्कर में लोग ज्यादा टाइम हार जाता है, पैसे गवा देता है। आपको मैं बता देता हूँ, इस तरीके के एप्लीकेशन में एक ही नहीं, दो तीन एप्लीकेशन रखिए अगर कमाना चाहते हो तो। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक माइंड सेट कर लेना होगा कि मिनिमम इतना हमें कमाना है। अब ज्यादा के चक्कर में मत फंसिए। देखिए, 200, 300 एंड 500, ये एक सही तरीका है। 200, 300, 500, ये एक माइंड सेट कर लिए कि हाँ भाई, हमें यहाँ पर 200 रुपया कमाना है, 300 रुपया कमाना है। ठीक है, अब कोई एप्लीकेशन दूसरा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, वहां पर आपको लॉसेस ज्यादा हो रहा है, तो आपको वहां पर छोड़ देना ही बेहतर है। अगर आपका मन बोल रहा है कि नहीं, इससे मैं अर्निंग नहीं हुआ, जितना बार लगाए उतने बार हम हार चुके हैं, तो उसको छोड़ देना ही बेहतर है। देखिए, ये मार्केट गिर रहा है, इतना तक एक छलांग लगाया था, उसी तरीके से बुरी तरीके से ये यहाँ पर फिर से आएगा, गिरेगा मार्केट। ठीक है, तो डेफिनेटली एक ऊपर जाता है तो नीचे आता ही है, एंड जब छलांग लगाएगा एक तो गिरेगा ही गिरेगा, और जब गिर जाएगा तो फिर से उठेगा। इसी का मैंने इसी तरीके से काम चलता है यहाँ पर। तो आपको इस तरीके से पैसे लगाना है, एंड एक माइंड सेट कर लेना है, ज्यादा पैसे हमें कमाना नहीं चाहिए, नहीं कमाऊंगा हम यहाँ पर। और ज्यादा लालच के चक्कर में आप हार जाओगे। ये एप्लीकेशन भी कहीं ना कहीं, जो भी एप्लीकेशन धर लीजिए, कंट्रोल में, थोड़ा सा कंट्रोल में रहता ही। आप पीछे देख नहीं सकते हो ये कंट्रोल में रखता है या फिर नहीं, बट कंट्रोल में नहीं रखेगा तो ये एप्लीकेशन सारा एप्लीकेशन जितना भी है डूब जाएगा, तो आप प्रॉफिट हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, लेकिन वो लॉस नहीं होता है, आपको लॉसेस कराता है, वो प्रॉफिट में रहता है। क्यों? क्योंकि कंट्रोल में रहता है। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर डेफिनेटली अच्छे तरीके से सोच के, क्योंकि आप 200 रुपये कमाना आया हो, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपका उतना मेहनत नहीं करना होगा, चांसेस आपका ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि आप जब बड़ा अमाउंट लगाते हो, आपको यहाँ पर कभी कभी यहाँ पर जीतने के चांसेस देता है, प्रॉफिट देता है। ऐसा नहीं है कि ये आपने एनालिस्ट कर चुके हैं एकदम बहुत अच्छे तरीके से, और ऊपर बोले हैं तो ऊपर ही जाएगा, नीचे गिरा हुआ है तो ऊपर ही जाएगा, फिर से नीचे भी आ सकता है, ऐसा भी देखा गया। तो आपको यहाँ पर कंट्रोल में रखा जाता है, तो उसी तरीके से हिसाब से आपको खेलना पड़ेगा कि आगे हमें नीचे जाना चाहिए, नीचे लगाना चाहिए या फिर ऊपर लगाना चाहिए, हिसाब से खेलना होगा। एंड जब भी आपको 200 रुपये प्रॉफिट हो जाता है, 300 रुपये प्रॉफिट हो जाता है आपका माइंड के सेट हिसाब से, बस आप क्लोज कर दीजिए, फिर से एक दिन दो दिन बाद खेलिए, फिर से दूसरे एप्लीकेशन में खेलिए। इस तरीके से खेलना होगा। अगर ज्यादा पैसे इनकम करना चाहते हो, इस एप्लीकेशन को पता होगा कि आप यहाँ पर डेफिनेटली आज के दिन में 1,000 से लेके 5,000 जीत चुके हैं, उसके बाद आपका अमाउंट बड़ा रहेगा एंड आपको यहाँ पर गिरा देगा, आप मतलब आपको लॉसेस करवा देगा, आप ऊपर लगाओ नीचे जाओ लगाओ बार बार हारोगे। जब आपका प्रॉफिट हो जाता है 5,000 रुपया, और यहाँ पर लालच के चक्कर में आप उसके बाद लगा देते हो 200-500 से खेलते हो, एंड यहाँ पर आपको गिराता ही जाता है, तो 5,000 से आपका जब 4,000 हो जाएगा ना, तो आपको और भी माइंड खराब हो जाएगा कि चलो भाई, मैंने 5,000 जीता था, 4,000 हो गया, मतलब बहुत बुरा लग रहा है, चलिए इसको भी खेलते हैं फिर से हम 5,000 करके, उसके बाद नहीं खेलेंगे, तो इस चक्कर में हार जाता है। तो आपको कहीं ना कहीं जितना, अगर ज्यादा प्रॉफिट हो चुका है तो अच्छा बात है, उसी में स्टॉप कर दीजिए। ठीक है, ज्यादा मत खेलिए, कंट्रोल में रहता है, उसको सब पता है कि आप कितने पैसे जीते हो, एंड आगे आप बड़ा अमाउंट लगाने वाले हो, इस सारा कुछ जानता है। ठीक है, एक एप्लीकेशन, तो कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ पर खेलना चाहते हो, कमाना चाहते हो, तो वीडियो में जो भी बताया हूँ उस बात को आपको ध्यान में रखना है,
एंड थोड़ा थोड़ा पैसे लगाना है। आप अगर नहीं हो तो 100 रुपया से डिपोजिट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको खेलना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, हम बता रहे हैं बोल के। ठीक है, आपको अगर इंटरेस्ट है इस तरह के एप्लीकेशन में तो आप आ सकते हैं, अच्छे तरीके से एनालाइज कीजिए, पहले डेमो अकाउंट में खेल के देख लीजिए, खेलने के बाद आपको अच्छे तरीके से सारा कुछ आइडिया हो जाएगा, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए। यहाँ पर आपको प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा, कितना लगाने से कितना आपको होगा। एंड यहाँ पर आप मिनट भी बढ़ा सकते हो, आप चाहते हो कि 1 मिनट के नहीं, हम ज़्यादा टाइम तक यहाँ पर ट्रेड करना चाहते हैं, तो 3 मिनट भी ऑप्शन दिया है, 5 मिनट का ऑप्शन भी ऑप्शन दिया है। अब अगर लगता है 5 मिनट कितना हो सकता है, नीचे आ सकता है ऊपर जाए, तो हमारे हिसाब से 1 मिनट ही ठीक है। ठीक है, 1 मिनट का आप अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हो। तो इस तरीके से खेलोगे तो यहाँ पर डेफिनेटली अर्न करोगे, दूसरे एप्लीकेशन में भी ऐसा ही है। ठीक है, आप एप्लीकेशन को आपको जब तक आप यूज़ नहीं करते हो अपने तरीके से, देखिए मेरे मैं जब यूज़ करूँगा तो मुझे कुछ और होगा, आपका कुछ और दिखाएगा, तो इस तरीके से चलता रहता है। तो आपको डेफिनेटली सबसे पहले यहाँ पर आपको खेल के देखना पड़ेगा कि ये सही में हमें प्रॉफिट दे रहा है या फिर लॉसेज जा रहा है, तो उस हिसाब से आपको आगे बढ़ना चाहिए। अगर लॉसेज ज़्यादा हो रहा है तो आपको उस वहीं पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमने देखे हैं काफ़ी लोग यहाँ पर बड़ा बड़ा अमाउंट लगाकर हार कर फंस जाता है एंड बाद में जाके पछतावा होता है। तो पछताने से पहले आपको सोचना चाहिए, मतलब हो जाने के बाद पछताने से कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए, क्योंकि ट्रस्टेड रिव्यू एंड अर्निंग रिलेटेड वीडियो हम इस चैनल पर लाता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, गुड लक एंड टेक केयर।